Hello everyone, this side Irfan here and I welcome you in my channel Global Center of Language. Today I have brought a very special lesson for all of you. आज हम लोग बहुत अच्छे लेसन के बारे में बात करेंगे, लेकिन इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आई वुड से अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उसमें एक जो घंटी वाला साइन है ना उसको प्रेस करें, जिससे कि आपको ऑन टाइम सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप घर बैठे बैठे फ्री में इंग्लिश बोलने की ये सीरीज को जारी रख पाएं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड द लेसन। आज हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे वर्ड्स की जो इंग्लिश में हमारी जो लैंग्वेज है उसको ब्रशअप करेंगे और कहीं ना कहीं जितनी फ्रेजेस और जितनी ज़्यादा विकैबुलरी आपको आती है, इट्स दैट मच ईजी टू स्पीक इन इंग्लिश। टुडे वी विल लर्न कपल ऑफ फ्रेजेस एज वेल एज कपल ऑफ विकैबुलरी विच इज़ रियली हेल्पफुल फॉर यू टू ब्रश अप योर इंग्लिश। सो आज हम लोग बात करेंगे कुछ धोखों की। जैसे लोग धोखा देते हैं ना, कई बार लोग होते हैं दोस्ती में धोखा दे देते हैं आपको, या कई बार खेल खेल में लोग धोखा करते हैं, या कोई चीज़ आप धोखे से गिरा देते हो, या कुछ लोग प्यार में धोखा कर देते हैं और उसके बाद लोग आशिक बन के रोते रहते हैं, राइट? तो खैर उसकी इंग्लिश को आज जानेंगे, या अगर आपको उसके ना उसने उसको प्यार में धोखा दे दिया तो कैसे आप इसको इंग्लिश में बोलोगे। या कई बार जो है कोई चीज़ नहीं होती, लोग बहुत डायलॉग मारते, अरे बेटा वो बाइक ने धोखा दे दिया वरना हम टाइम पे तुम्हारे पास आ जाते, पेन ने धोखा दे दिया था वरना आज हम आईएएस ऑफिसर होते। तो कुछ इस तरीके के वर्ड्स की इंग्लिश को आज हम जानेंगे बड़े आसानी से, राइट? और कुछ नई फ्रेजेस को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड द लेसन विदाउट डिले। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है, चीट। चीट क्या होता है? छोटा मोटा कोई धोखा आपको दे दे इसको चीट कहते हैं। हर वर्ड का मैं सेंटेंस बनाऊंगा और इसको आपको लेसन को लास्ट तक देखना है, जिससे कि आपको चीज़ें कुछ मिस ना हो, प्लस लास्ट में आपको इनसे रिलेटेड सेंटेंस ज़रूर बनाने हैं, सो दैट आई कैन कम टू नो कि आपको कुछ समझ में आ रहा है। जैसा कि आप पहले पिछली वीडियोज़ में करते आ रहे हो, डू द सेम, आई लव दिस थिंग, राइट? और इससे आप सीख भी पाओगे और इसको आप इंग्लिश में बोलोगे तो ही आगे बढ़ पाओगे। सो आई होप यू डू सो। तो चीट माने होता है, एज आई टोल्ड अर्लियर, इसका मतलब होता है कि कोई छोटा मोटा धोखा दे दे। जैसे कहते तुम मुझे धोखा दे रहे हो, यू आर चीटिंग मी, राइट? या आप मान लो एग्जामिनर है, आप जो धीरे धीरे छुप छुपा के लिख लेते हो एक दूसरे से पूछ जाके, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड चीटिंग, राइट? सो यू डू चीटिंग इन दैट। नेक्स्ट नाउ डिसीव। डिसीव होता है जब कोई बड़ा धोखा किसी को देता है तो उसको डिसीव कहते हैं। जैसे बिजनेस वगैरह में उसने किसी को धोखा दे दिया तो कहते हैं वो तुमको धोखा दे रहा है, ही इज डिसीविंग यू। वो तुमको धोखा देगा, ही विल डिसीव यू। क्या बोल देंगे? ही विल डिसीव यू। नेक्स्ट नाउ बिट्रे। बिट्रे का मतलब होता है विश्वासघात करना। आपने किसी के ऊपर विश्वास किया और उसने आपके साथ विश्वासघात कर दिया, वी कॉल दैट बिट्रे, राइट? वो तुम्हारे साथ विश्वासघात कर रहा है, ही इज बिट्रेइंग यू। वो तुम्हारे साथ विश्वासघात करेगा, वो ट्रस्ट के लायक नहीं है, ही डजंट डिजर्व टू बी ट्रस्ट वर्दी, ही विल बिट्रे यू। उसने मेरे साथ विश्वासघात किया था, ही बिट्रेड मी। क्या बोल देंगे? ही बिट्रेड मी। नेक्स्ट नाउ अगला है डंप और डिच। डंप और डिच, कई बार आप जब जूम चैनल देखते हो तो कई बार जो बी टाउन की न्यूज़ होती है, बी टाउन मतलब बॉलीवुड, उसकी जो न्यूज़ होती है उसमें वर्ड बहुत यूज़ होता है। डंप और डिच होता है किसी को प्यार में धोखा देना। जैसे लाइक कुछ पुराने अफेयर्स ले लो, लाइक अमिताभ, रेखा, सलमान, संगीता बिजलानी, सलमान ऐश्वर्या राय, सलमान कटरीना, सलमान लूलिया, देयर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट, राइट, विद सलमान, तो ध्यान देना। खैर ये जो प्यार, पता नहीं सलमान ने उनको दिया कि उन्होंने सलमान ने उनको दिया, या फिर कुछ रूमर थे, आई डोंट इवन नो अबाउट दैट, लेकिन प्यार में किसी को धोखा देना डंप और डिच कहलाता है। जैसे कह दूँ कि उस लड़की ने उस लड़के को प्यार में धोखा दे दिया, दैट गर्ल डम्प्ड दैट बॉय। क्या बोल देंगे? दैट गर्ल डम्प्ड दैट बॉय, या वो तुम्हें प्यार में धोखा देगा, ही विल डंप यू। क्या बोल देंगे? ही विल डंप यू। वो तुम्हें प्यार में धोखा दे रहा है, ही इज डिचिंग यू और ही इज डंपिंग यू, राइट? तो इसको हम बोलते हैं डंप या डिच। और ये एक गाने के लिरिक्स में भी है। अगर आपने डिशिंग मूवी देखी है तो उसका जो लिरिक्स है ना, गाने का लिरिक्स अगर आपने ध्यान से सुना है, वो था कोई मेरे भाई को डंप करे तो डिशिंग, राइट? खैर नेक्स्ट नाउ ब्लफ। ब्लफ होता है जो कंपनीज में लोग गोलमार करते हैं, झोल झाल करते हैं, इसको ब्लफ कहते हैं। एक मूवी अभिषेक की आ चुकी है, ब्लफ मास्टर। तो राइट, वी कैन जस्ट मेक अ सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ इट। जैसे हम कह दें कि इट इज़ अ ब्लफ व्हाट यू आर डूइंग इन द कंपनी, जो तुम कर रहे हो ना ये एक तरीके का झोल झाल है, एंड यू विल बी कॉट, तुम पकड़े जाओगे। बोले दिस इज अ ब्लफ व्हाट यू डिड, राइट? और ये जो तुम कर रहे हो ये एक तरीके का ब्लफ है, दिस इज अ ब्लफ व्हाट यू आर डूइंग। तो ब्लफ होता है गोलमाल, झोल झाल।
बाय मिस्टेक मतलब होता है कोई चीज़ जब धोखे से हो जाए तो इसको इंग्लिश में बाय मिस्टेक कहते हैं। बोलते यार धोखे से मेरा हाथ उसके टच हो गया, लाइक माई हैंड गॉट टच टू हर बाय मिस्टेक। धोखे से ग्लास मुझसे गिर गया, आई हैव जस्ट लाइक यू नो आई हैव ड्रॉप्ड दिस ग्लास बाय मिस्टेक। धोखे से उसको कॉल लग गई, आई हैव मेड अ कॉल टू हिम बाय मिस्टेक, आई हैव मेड अ कॉल टू हिम बाय मिस्टेक। नेक्स्ट नाउ फेल। फेल बहुत अच्छा वर्ड है। फेल कब यूज होता है? जब चीजें धोखा दे दे तो हम फेल लगाते हैं। अब कहते हैं मेरे पेन ने धोखा दे दिया तो आप क्या कह दोगे? माय पेन चीटेड मी, डिसीव्ड मी, बिट्रेड मी, कि डम्ड मी, पेन से प्यार था तो पेन ने धोखा दे दिया, कि ब्लफ। नहीं, ये सारे वर्ड नहीं लगते, यहाँ फेल लगता है। जैसे मैं कह दूं कि मेरे पेन ने मुझे धोखा दे दिया तो मैं बोलूंगा माय पेन फेल्ड मी। क्या बोल दूंगा? माय पेन फेल्ड मी। या मैं कह दूं बाइक ने मुझे धोखा दे दिया, वरना मैं टाइम पर आ जाता, बाइक फेल्ड मी, अदरवाइज आई वुड हैव रीच्ड ऑन टाइम। Bike failed me, otherwise I would have reached on time, right? या कहते नेटवर्क ने धोखा दे दिया, वरना मैंने तुझे कॉल कर दी होती। नेटवर्क फेल्ड मी, अदरवाइज आई वुड हैव कॉल्ड यू अप और आई वुड हैव मेड यू अ कॉल। नेटवर्क फेल्ड मी, अदरवाइज आई वुड हैव मेड यू अ कॉल। अदरवाइज का यूज हम आगे आपको सिखा देंगे, अभी फिलहाल आप ये जानो कि फेल जो है जब चीजें आपको धोखा दे दे तो यूज होता है, राइट? नेक्स्ट, अगर सबसे फर्स्ट में जो देख लें, धोखा नहीं है लेकिन कई बार वर्ड में यूज होने वाला वर्ड है जो बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, इसको सीखते हैं। आउट ऑफ ऑर्डर कब यूज होता है? जब कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खराब होता है तो वहां आउट ऑफ ऑर्डर बोलते हैं, और ये वर्ड एटीएम मशीन में बहुत लिखा होता है, एटीएम इज आउट ऑफ ऑर्डर, राइट? या मैं कह दूं कि फ्रिज खराब है तो मैं बोल दूंगा फ्रिज इज आउट ऑफ ऑर्डर, इज एम आर के साथ इसको लगा देंगे, राइट? जैसे मैं कह दूं कि वॉशिंग मशीन खराब है तो वॉशिंग मशीन इज आउट ऑफ ऑर्डर। कोई आएगा यार फैन चला रहे, फैन क्या चलाएं, फैन खराब है भाई, राइट? सो लाइक व्हाट टू टर्न ऑन अबाउट फैन एंड ऑल, बिकॉज फैन इज आउट ऑफ ऑर्डर। क्या बोल देंगे? फैन इज आउट ऑफ ऑर्डर। माइक खराब है, माइक इज आउट ऑफ ऑर्डर। आई होप यू मस्ट बी गेटिंग ऑल द थिंग्स व्हाट आई एम टीचिंग यू। तो बने रहिएगा लेसन में अंत तक, अभी बहुत कुछ बचा है जो आपको सीखना है, राइट? नेक्स्ट नाउ ब्रेक डाउन। जब कोई मशीनरी चलते चलते रुक जाए, ये तो पहले से खराब है, अगर चलते चलते रुक जाए तो उसको ब्रेक डाउन कहते हैं। जैसे मैं कल अपने कंप्यूटर पे काम कर रहा था और आउट ऑफ नो वेयर या ऑल ऑफ अ सडन वो एकदम से गड़बड़ हो गया, तो मैं कैसे बोलूंगा इसको इंग्लिश में? I was working on my computer yesterday and out of nowhere it broke down. My computer broke down. या हम कल पिकनिक पे जा रहे थे, रास्ते में हमारी कार चलते चलते रुक गई। We were going on picnic yesterday. We were going on picnic yesterday and our car broke down on the way. रास्ते में, on the way. जैसे मुझे कहना है मैं रास्ते में हूँ, I am on the way. Right? नेक्स्ट नाउ, अब हम देखते हैं कुछ ऐसे स्टेटमेंट, कुछ ऐसी फ्रेजेस जो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं, चलिए उनको सीखते हैं। जैसे उसमें लिखा है, कई बार वैसे बोलते हैं यार यहाँ होता है लोग छोटी छोटी बात पे ना गाली बक देते हैं। आप देखो कानपुर का ये और यूपी का एक ट्रेंड है, लोग छोटी छोटी बात पे गाली बकते हैं, और भाई कैसे हो, राइट, डैश, और भाई कहाँ जा रहे हो, डैश, भाई सब कुछ ठीक, डैश डैश मतलब एक गाली लगा दी अपने हिसाब से, एक पूर्ण विराम टाइप का बनाया हुआ है, राइट? तो ये क्वाइट फनी बट लोग ऐसा करते हैं, तो आई एम जस्ट टेलिंग यू। अब इसी तरीके से यहाँ लिखा है, इसमें जब हम ये क्या बात है, क्या बात है ऐसा कुछ बोलते हैं तो कैसे इन सेंटेंस को फ्रेम करते हैं उसको देखते हैं। उसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। यहाँ बोलते हैं व्हाट इज को शॉर्ट में व्हाट्स बोलते हैं, व्हाट्स देयर टू, और उसके बाद जो भी एक्शन हो वो लगा देंगे। जैसे मैं कह दूं इसमें लिखने की क्या बात है तो मैं बोलूंगा व्हाट्स देयर टू राइट। क्या बोल दूंगा? What's there to write? क्या लिख दिया? What's there to write? अब मैं कह दूं उसमें गाली बकने की क्या बात है, जो है ना यूपी में हर लोग गाली बक देता है हर कोई, तो बोलते यार what's there to abuse? क्यों गाली बक रहा है? Why are you abusing? What's there to abuse? इसमें चिल्लाने की क्या बात है, कोई बेवजह चिल्लाने लगे, What's there to shout? इसमें बहस करने की क्या बात है, तुम बहस करो, तो बोल देंगे What's there to argue? अब इसमें से कुछ सेंटेंस आपको बनाने अपने आप से, I'll check it in comment section कि आपने कैसा बनाया है, and I'll give you feedback over there. Next now, अब ये है कि क्या बात है, कई बार बोलते हैं इसमें इस चीज की कोई बात नहीं है, इसमें चिल्लाने की कोई बात नहीं है, इसमें झगड़ा करने की कोई बात नहीं है, ऐसे सेंटेंस कैसे बनेंगे? यहाँ पे जो स्ट्रक्चर जैसे वहाँ व्हाट्स देयर टू होता था, इस बार हो जाएगा देयर इज नथिंग टू। क्या हो जाएगा? देयर इज नथिंग टू, और बाकी जो एक्शन है वो लिख दिया जाएगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, इसमें लिखने की कोई बात नहीं है, देयर इज नथिंग टू राइट, ये कॉमन है देयर इज नथिंग टू, ये हर बार आएगा, इसके बाद एक्शन आएगा। इसमें लिखने की कोई बात नहीं है, देयर इज नथिंग टू राइट। नेक्स्ट है, इसमें चिल्लाने की कोई बात नहीं है, देयर इज नथिंग टू शाउट। अगर मैं कह दूं इसमें गाली बकने की कोई बात नहीं है तो कैसे बोलूंगा? देयर इज नथिंग टू अब्यूज, बिल्कुल सही अगर आपने बोला था। और इसमें बहस करने की कोई बात नहीं है, देयर इज नथिंग टू
आर्ग्यू, बिल्कुल सही यही बोलना था अगर आपने बोला है तो, राइट। अब ध्यान दीजिएगा, अच्छा हम ऐसे कहते हद हो गई यार, हद हो गई किसी भी चीज़ की, हद हो गई लिखने की, हद हो गई बहस करने की, कोई बार बार चाय पी रहा, हद हो गई यार चाय पीने, कितनी चाय पिएगा। तो जब हद हो गई इंग्लिश में बोलते हैं तो बोलते हैं इट्स हाइट ऑफ, क्या बोलते हैं इट्स हाइट ऑफ। और जब ऑफ आएगा तो एक्शन में आईएनजी भी आएगा, ये रूल है, अगर 90% केसेस में ऐसा होता है। तो जैसे कहते हैं हद हो गई इंतजार की, तो इट्स हाइट ऑफ, इसका मतलब हो गया हद हो गई इंतजार की ऑफ वेटिंग, इट्स हाइट ऑफ वेटिंग। अगला देखो, हद हो गई पढ़ाने की, बहुत पढ़ा दिया भाई, वीडियो ज्यादा लंबा बनाते हैं तो बच्चों को फिर इंटरेस्ट कम आएगा, तो छोटे छोटे वीडियोस में सिखाने का मेरा मन रहता है। तो लास्ट सेंटेंस बना रहे, हद हो गई पढ़ाने की, इट्स हाइट ऑफ टीचिंग, ठीक है। इसी तरीके से मैं कह दूं हद हो गई लिखने की, तो इट्स हाइट ऑफ राइटिंग। और सिर्फ कह दो यार हद है यार, तो बोलते हैं इट्स हाइट, फिर ऑफ की जरूरत नहीं क्योंकि एक्शन नहीं। फिर से समझ लीजिए, अगर मुझे सिर्फ कहना है हद हो गई तो मैं बोलूंगा इट्स हाइट। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे अपकमिंग लेसन में विद अ न्यू वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।